श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। दशा और दिशा बदलने का प्रण लेकर जब श्री हरि भगवान कल्कि के रूप में धरा पर आए हैं, उनकी राह में भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, लेकिन वो भगवान कल्कि हैं, असीमित शक्तियां हैं उनके पास, इसलिए हर काम को करने का तरीका उनका हमसे अलग है। आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का, यानी माँ ब्रह्मचारिणी की आज भक्तगण जोश के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि उनकी कृपा पा सकें। लेकिन चूंकि चैत्र नवरात्रि, जैसा मैंने कहा, घोड़े पर सवार होकर माँ का आगमन बिल्कुल शुभ संकेत नहीं लेकर आया पूरे विश्व के लिए, ठीक उसी दिन जिस समय पूरी दुनिया चैत्र नवरात्रि के खुशहाल, अपनी ज़िंदगी उनकी खुशहाल हो, इसलिए चैत्र नवरात्रि के मौके पर जब मंदिरों में घंटे बजाए जा रहे थे, भजन कीर्तन हो रहा था, उसी दिन यानी मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को ही एक ऐसी घटना घट गई जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक 50 यात्रियों की, बस यात्री नहीं बल्कि उनमें वो कर्मचारी थे जो काम से लौट रहे थे, उन 50 कर्मचारियों को लेकर वो बस जब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से होकर एक ऐसे रास्ते से गुजर रही थी जिसमें कि बहुत बड़े बड़े साइड में गड्ढे थे, एक गहरी खाई जिसमें कि वो बस पलट गई। कारण जो लोग जिंदा बचे उनका कहना था कि वो बस तब गिरी, वो ड्राइवर की चूक नहीं बल्कि बस की लाइट ही नहीं जली और न लाइट जल पाने के कारण रास्ता दिखा नहीं और बस बहुत गहरी खाई में गिर गई, और जिसके कारण 15 लोगों की ऑलरेडी मौतें हो चुकी हैं और बाकी लोग सीरियसली इंजर्ड हैं, जिन्हें एम्स में, रायगढ़ के एम्स में उनको भेज दिया गया है। लेकिन ये हादसा मंगलवार के दिन ही, नवरात्र के दिन ही, पहले दिन ही जब माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही थी उसी समय शाम को ये घटना घटने का क्या अर्थ है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि आप लोग कहेंगे कि पहले भी ऐसे हादसे होते चले आए हैं, लेकिन नवरात्र के दिन ऐसा हादसा होना बिल्कुल आने वाले समय के लिए सही संकेत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए कल्कि भगवान जिस प्रण को लेकर धरा पर आए हैं, उनका फाइनल बैटल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में अब वो आ चुके हैं और उन्हें मिल गया है साथ माँ का, माँ शक्ति का एवं भगवान शिव का, और इनका शिव शक्ति का साथ जब कल्कि भगवान को मिल चुका है तो फाइनल बैटल में अब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, यानी बिल्कुल ही जो प्योर सोल्स हैं उनको अलग रखने का, जिनके कि कर्मों का लेखा जोखा भी खत्म हुआ और अब जिन्हें न्यू एरा की ओर ले जाना है उनकी तैयारी करनी है, और इसलिए ये जो प्रोसेस कल्कि अवतार का चल रहा है इस 2024 में और आने वाला समय 2025, जिसमें कि शनि भगवान जब मीन राशि में जब जाएंगे तब ये समय और अधिक क्रूशियल बनता चला जाएगा, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी 2024 से हो चुकी है। अब जिन लोगों ने भी अपने पावर पोजीशन का, सत्ता पर बैठने के बाद उसका गलत ढंग से उपयोग किया, अब उनका एंड टाइम चल रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे बस में बैठने वाले जो यात्री थे वो तो ऐसे कुछ नहीं, वो तो बहुत सही थे, गरीब इंसान थे, तो क्या शनि भगवान का आना 2024 में मार्स के साथ उनकी युति, क्या सिर्फ गरीबों पर ही उसका प्रहार होगा? नहीं, अब शनि भगवान का प्रहार, कल्कि देव का न्याय उन लोगों पर गाज बनकर गिरने वाला है जिन्होंने कि आज तक अपने जीवन के उद्देश्यों को न समझते हुए प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ किया। तो
तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में शुद्धिकरण ये जो हो रहा है, ये शुद्धिकरण वर्ल्ड लेवल पर, सिर्फ हमारे देश की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि पूरे विश्व में ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें फाइनल बैटल की लड़ाई, आर पार की लड़ाई हो रही है। अब ईरान और इसराइल का युद्ध, भयंकर युद्ध, बस उसकी शुरुआत, ऑलरेडी सब कुछ तैयार है, बस वो तमाशा अब दुनिया देखेगी। और ऐसी तबाही उस युद्ध के पश्चात लोग देखेंगे, क्योंकि उसमें एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल होगा। तो जैसा मैंने पहले कहा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध ही आगे चलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर में इसलिए कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक के बाद एक न्यू फ्रंट युद्ध के खुलते चले जाएंगे, और इस प्रकार पूरी दुनिया विनाश के उस कगार पर जाकर पहुंच जाएगी, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं का बोलबाला, उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, मानव के हाथ से वो सिचुएशंस निकल जाएंगी आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अचानक से वहाँ के लोगों का कहना है, छत्तीसगढ़ में जो ये घटना घटी नवरात्र के दिन, वहाँ के लोगों का कहना है कि कभी भी ऐसी घटना पहले नहीं हुई, 15-20 सालों से उस जगह से बसें आ जा रही हैं, ट्रक्स भी आ जा रहे हैं, लेकिन कभी खाई में इस तरह से बस नहीं गिरी। तो अब जो मैंने कहा कि बिल्कुल उठा पटक का दौर, और वो दौर उठा पटक का अब जो फाइनल बैटल का समय है, अब उसमें फाइनल डिसीजन कल की अवतार का होगा, लेकिन ये भी एक दिन में नहीं होगा, इसको भी हमारे पृथ्वी के समय के अनुसार टाइम लगेगा। जो देवी देवताओं का समय होता है वो हमसे कहीं अलग, उनका कैलकुलेशन भी हमसे अलग है। तो जो बातें हम सिर्फ कहते हैं कि विनाश होगा, लेकिन विनाश किस प्रकार से होगा, जैसे मैंने प्राकृतिक आपदा के बारे में एक बात कही थी कि एक भयानक बीमारी आएगी जो पैंडेमिक होगी, कोरोना की तरह उससे भी भयंकर, तो उसको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से वो प्राकृतिक आपदा यानी भयानक बीमारी ऑलरेडी दस्तक दे चुकी है बर्ड फ्लू के रूप में, जिसको कहा गया है कि WHO के द्वारा वार्निंग दी गई है, अमेरिका में ऑलरेडी वो फैल चुका है, भारतवर्ष में भी उसकी एंट्री हो चुकी है, महाराष्ट्र के नागपुर में। इसलिए आने वाला समय जो बेहद खतरनाक, लेकिन जब इसमें शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें तो एक तरफ निर्माण कार्य और एक तरफ विनाश कार्य, यानी एक तरफ खत्म होने का सिलसिला, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे सोल्स जो कि आगे जाएंगे उनका भी प्यूरिफिकेशन साइड बाय साइड चलता चला जाएगा। तो जैसा एक इंसिडेंट अभी खुलकर हमारे सामने आया, और एक ऐसा इंसिडेंट जो सभी को चौंका गया कि नवरात्र के दिन ही ये ऐसी घटना घट गई, सोचिए उन कर्मचारियों के घर वालों को नवरात्र के दिन ही कितना अधिक दुख पहुंचा होगा। अनफॉरगेटेबल मोमेंट, ये भी मैं कहती हूँ कि ऐसा इंसिडेंट, ऐसा इवेंट अब जो ये समय काल में चलेगा, वो लोगों को बहुत गहरा घाव दे जाएगा। भगवान करे, माँ शक्ति की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, और ये 9 दिन सही तरीके से चला जाए, सबके जीवन में गुजरे, और सब लोगों की मनोकामनाएं माँ ब्रह्मचारिणी पूर्ण करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।